वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम सेवन पार्ट क्रिएट करने वाले हैं केवी वाइस का। ये एक स्क्रू है जिसमें हमने जो जॉ क्रिएट किए थे अपसाइड एंड बॉटम साइड, ये दोनों जॉ इसमें फिट होने वाले हैं, जिसमें एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड है और राइट हैंड साइड थ्रेड। तो दोनों थ्रेड कैसे इसमें क्रिएट करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमें कॉर्नर रेक्टेंगल क्रिएट करना है इस तरह से, और एक यहाँ पे सेंट्रल लाइन हम मिड पॉइंट करके यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे इस तरह से। इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे हम, इसकी लेंथ रहेगी 250, mm इसकी लेंथ रहेगी, और इसका डायमीटर रहेगा 8 mm इसका 8 mm। यहाँ से इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। इस पॉइंट को मिला देना है हमें वर्टिकल। तो देखिए इस तरह से हमारा ये स्केच क्रिएट हो गया है, और सिंपली फीचर में जाके रिवॉल्व वर्कस्पेस अप्लाई करना है। इस आगे वाली फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक सेंटर सर्कल क्रिएट करेंगे। इसका डायमीटर रहेगा 13 mm। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। ब्लाइंड कंडीशन एक्सट्रूड अप टू 60 mm। और यहाँ पे देखिए ये अंदर से कट रहा है, इसको अंदर से नहीं कट लगाना है, हमें बाहर की साइड में कट लगाना है। तो फ्लिप साइड टू कट, यहाँ पे फ्लिप साइड टू कट पे टिक मार्क कर देना है और ओके करना है। फिर से इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे हम इस तरह से, और यहाँ पे इसका डायमेंशन रहेगा 10x10। इसे भी हमें क्या करना है, फीचर में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है, वही सेम फ्लिप साइड, और इसकी लेंथ रहेगी 15 mm। फिलेट अप्लाई करेंगे, फिलेट यहाँ पे इसकी साइज रहेगी 2 mm फिलेट। यहाँ पे देखिए इंटरनल टू फेस, इसकी 3 edges है, सिलेक्ट हो गया और ओके करना है। इस तरह से हमारे ये स्क्वायर डिज़ाइन भी तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले चैम्फर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चैम्फर हमें यहाँ पे 2 mm अप्लाई करनी है और डायरेक्ट इस राउंड पे सिलेक्ट कर देना है और ओके करना है।
तो देखिए इस तरह से दोनों साइड में चैम्फर अप्लाई हो गई है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे होल विजार्ड है इसके नीचे ड्रॉप डाउन में जाना है और थ्रेड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए इसकी लोकेशन हमें क्या कौन सी देनी है, तो इस वाले लोकेशन को, ये जो एज है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ब्लाइंड कंडीशन, इसके थ्रेड की लेंथ कितनी चाहिए, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 85 mm लेंथ इसकी चाहिए। तो सबसे पहले हम मैट्रिक डाई आपको सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक डाई सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए 16x2 थ्रेड हमें सिलेक्ट करने हैं, कट थ्रेड एज इट इज, ये सब इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सिंपली आपको यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड थ्रेड एंड लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे देखिए एक ऑफसेट ऑप्शन है, ऑफसेट में जाना है और रिवर्स 5 mm, और यहाँ पे देखिए नीचे मेंटेन थ्रेड लेंथ इसको सिलेक्ट कर देना है और ओके करना है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड क्रिएट हो गए। तो इसी तरह से हम यहाँ भी थ्रेड अप्लाई करेंगे, फिर से ड्रॉप डाउन में जाना है, थ्रेड सिलेक्ट करना है, फिर से लोकेशन इसकी ये वाली एज हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद 85 इसकी लेंथ रहेगी, मैट्रिक डाय 16x2, और सिंपली यहाँ पे देखिए हमने अगले थ्रेड थे वो लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड क्रिएट किए थे, अब ये राइट हैंड साइड थ्रेड है। फिर से इसमें ऑफसेट पे सिलेक्ट करना है और रिवर्स साइड में ऑफसेट करना है, और यहाँ पे फिर से मेंटेन थ्रेड लेंथ और ओके करना है। तो इस तरह से देखिए हमारे दोनों साइड थ्रेड क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, टॉप लाइन सिलेक्ट करना है, एडिट, यहाँ पे क्या करना है, दो होल हमें क्रिएट करने हैं। सिंपली यहाँ पे सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे, सर्कल, इस तरह से दो सर्कल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इनका डायमेंशन हम देंगे, इन दोनों के बीच की गैप रहेगी 33 mm। फिर यहाँ से इसकी लेंथ रहेगी 22.5 mm। और इसका डायमीटर रहेगा 5 mm। अब इन दोनों होल को सिलेक्ट करना है होल कंट्रोल की मदद से और इक्वल कर देना है। तो हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट, यहाँ पे मिड प्लेन सिलेक्ट करेंगे और इसकी साइज इंक्रीज कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे होल भी यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अब हमें अपीयरेंस में जाके इसका मटेरियल अप्लाई करना है। मेटल, स्टील, पॉलिस्टील, सेव कर देंगे इसे। द
तो ये हमारा पार्ट 7 है और सेव कर देना है इसे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।